केपी सर, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई जब भी आपको करना हो तो सबसे पहला वर्ग आप सबके डिनोमिनेटर में 1 लगाएं, मतलब 8/15 -2/3 -7/30 +1/10, और जहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं वहाँ पे क्या लगा लीजिए, 1। अब ध्यान से देखिए, जितने भी रेशनल नंबर हैं उनके डिनोमिनेटर का जो है आप एलसीएम फाइंड करिए, एलसीएम ऑफ 15, 3, 13, 10, 1। तो इसका एलसीएम अगर जो निकालते हैं तो से हो गया 3 से 5, 5, 3, 5, फिर 5 से 1, 1, 3, 3 से 5, 5, 1, 5, और 5 से जब करेंगे तो 1, 1, 1, 1, तो 2, 3, 6, 3, 18, 90 आएगा। कितना आएगा? 90। अब सबके डिनोमिनेटर में 90 करना है, तो फर्स्ट नंबर में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 90 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर में हम 30 से करेंगे, सेकेंड जो आपका फ्रैक्शन है उसमें 30 से करेंगे, और थर्ड जो फ्रैक्शन है उसमें 3 से करेंगे, और फोर्थ जो फ्रैक्शन है उसमें 9 से करेंगे, और फिफ्थ जो फ्रैक्शन है उसमें भी हम जो है उसमें जो है हम 90 से करेंगे। अब देखिए, ये हो जाएगा 48/90, और ये हो जाएगा 60/90, ये हो जाएगा 21/90, ये हो जाएगा 9/90, और ये हो जाएगा 180/90। अब सबका जो है डिनोमिनेटर क्या हो गया, 90 हो गया। अब ये हो जाएगा 48 - 60 + 21 + 9 + 18। अब ध्यान से देखिए, बॉड मास के अकॉर्डिंग जो है आपका एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है, तो पहले इन सब नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 48 माइनस, देखिए यहाँ पे एडिशन है, तो -60 +20 तो ±, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 39। ठीक है, +9 + 18/90। अब यहाँ पे करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपका प्लस है, तो 39 + 9 - ± यानी 48 - 30 + 18 ±, तो 48 - 12/90, 48 में से जाएगा 36/90, तो 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा 5, तो 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है डिस्टेंस